बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 18.5, क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द वॉल्यूम वी ऑफ ए पार्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम हमारे पास है वी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर टी के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के साथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के साथ और इन्वर्सली है तो डिनोमिनेटर में आएगा और स्क्वायर रूट है टी का। इसे हम देख सकते हैं वी इज इक्वल टू के कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा टी के साथ और अंडर रूट पी डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास? फर्स्ट वाली जो दी हुई है वी इज इक्वल टू 100, फिर है टी है हमारे पास 30 और पी है 64। और ये वैल्यूज पुट करके हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास वी इज इक्वल टू के टी अपॉन पी अंडर रूट पी। वी है हमारे पास 100, के हमें मालूम नहीं है और टी है 30 और पी रूट में है, ये है 64। इसको 30 के लिख लेते हैं और रूट को जब ओपन करेंगे तो 8 से 64 होता है तो 8 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें k की वैल्यू मालूम करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 के इस साइड पर आ जाएगा और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ। से आप 800 ही लिखें इज इक्वल टू k यहीं पर रहेगा और 30 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 00 के साथ कैंसिल। तो k की वैल्यू हमारे पास आएगी, डिवाइड कर देंगे 80 के साथ 3 को तो ये आएगा 26.66। डेसिमल के बाद दो डिजिट ले लेते हैं। अच्छा, अब हमें मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन t इज इक्वल टू 60 एंड p इज इक्वल टू 81। तो इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t है हमारे पास 60 और p है 81 और k हमने मालूम किया अभी 26.66। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं v इज इक्वल टू के टी अपॉन अंडर रूट पी। v हमें मालूम करना है, k की वैल्यू है 26.66 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ t जो है 60 और अंडर रूट के अंदर है 81। 81 किसका रूट होता है? 9 का, 9 से 81। यहाँ पे 9 लिख लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 9 के साथ डिवाइड करेंगे, ये कैलकुलेटर से कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 177.77 आ रहा है, उसे हम 8 लिख देते हैं। Yes, guys.